फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वातीज बर्डे एंड लाइफस्टाइल। दिस इज स्वाति। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा फेस वॉश लेकर आई हूँ, होममेड फेस वॉश लेकर आई हूँ, जिसको आप रोज़ यूज़ कर सकते हैं, दिन में एक से दो बार। और फ्रेंड्स, इसको आपको बिल्कुल नॉर्मली जैसे आप मार्केट के फेस वॉश यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यूज़ करना है। बट वो मार्केट वाले हैं और ये आपके होममेड हैं। तो इसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई हैं जिससे आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, क्लीनिंग हो जाएगी, उसकी स्क्रबिंग भी हो जाएगी साथ में, और प्लस आपका जो एक ग्लो है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा, सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाएंगी आपके फेस की। तो फ्रेंड, जो काम आपका मार्केट वाला करता है वो ये मैंने घर पर बनाया है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। 4 से 5 चीज़ों में ये बन जाएगा और आप इसको 8 से 10 दिन का बनाकर रख सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में ना बनाएं। और फ्रेंड्स, रोज़ इसको यूज़ करिए। फ्रेंड्स, बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा जो ये होममेड ऑर्गेनिक फेस वॉश है ये कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन जो है ना उसको भी बजा दीजिएगा, जिससे कि इस तरह की वीडियोज़ आप देख सकें बहुत ही जल्दी। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, देखते हैं कि ये मैंने फेस वॉश किस तरह से बनाया। तो फ्रेंड्स, हर्बल फेस वॉश बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक खाली कंटेनर लिया है। मेक श्योर कि ये बिल्कुल ड्राई हो, एयर टाइट कंटेनर लिया है मैंने यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 2 चम्मच बेसन, यानी कि चिकपी फ्लावर या ग्राम फ्लावर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चावल का आटा लिया है। फ्रेंड्स, बेसन हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है और चावल का आटा हमारे फेस की बहुत ही अच्छी तरीके से स्क्रबिंग करता है। फिर मैंने यहाँ पर लिया है सैंडलवुड पाउडर, यानी कि चंदन का पाउडर। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर लिया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, ऑरेंज जो होता है ये हमारी स्किन को ब्राइट करने का काम करता है, तो मैंने यहाँ पर ये 2 चम्मच ऐड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर नीम का पाउडर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या आपके फेस पर पिंपल हैं, ऑयली स्किन है, तो आप इसको डालिए, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है, व्हीट फ्लावर और जो चोकर सहित लिया है, और 1 चम्मच लिया है लिकोरिस पाउडर, मुलैठी का पाउडर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 सैशे कॉफ़ी के लिए हैं। फ्रेंड्स, लिकोरिस पाउडर जो होता है, मुलैठी का पाउडर, खाने के साथ साथ फ्रेंड्स ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और जो कॉफ़ी पाउडर होता है ये हमारी स्किन को टाइट बनाने में हेल्पफुल होता है। तो इसकी मैंने 2 चम्मच इसमें ऐड की हैं। अब इसको अच्छी तरीके से 2 मिनट तक हम इसको मिक्स करेंगे, जिससे कि सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। फ्रेंड्स, अब इसमें 1 स्पून डालकर हम इसको एयरटाइट डिब्बे में बंद करके रख देंगे, जिससे कोई भी हवा इसमें पास ना हो। अब फ्रेंड्स, इसको कैसे यूज़ करना है? अगर फ्रेंड्स आपकी नॉर्मल टू ऑयली स्किन है तो फ्रेंड्स आपको इसमें गुलाब जल ऐड करना है, या आप नॉर्मल वाटर है उसको भी ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप उसमें ये 1 चम्मच हनी ऐड करके इसको लगा सकते हैं, इससे अपना फेस वॉश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दोनों चीज़ें ये ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो यूज़ करिए, अदरवाइज़ आप पानी से भी इसको मिलाकर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको लगाने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसको एक बाउल में ले लीजिए 1 चम्मच, और उसमें शहद या गुलाब जल मिलाकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। और फ्रेंड्स, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, क्योंकि इतनी सारी अच्छी अच्छी खुशबू वाली चीज़ इसमें मिली है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, आपको अपना फेस गीला कर लेना है इस तरह से, मैं भूल गई थी। और उसके बाद आप जैसे फेस वॉश रब करते हैं अपने हाथों पर लेकर, उसी तरीके से आपको इसको मसाज देनी है। फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से सर्कुलर मोशन में आप अपने फेस पर इसको मलिए, गर्दन पर भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही लाइट हैंडेड आपको यूज़ करना है। फ्रेंड्स, इसमें इतनी सारी चीज़ें मिली हुई हैं जो आपके चेहरे की स्क्रबिंग करेंगी, आपकी क्लीनिंग करेंगी, और जो आपके ओपन पोर्स हैं उसको भी ये मिनिमाइज़ करेंगी। और फ्रेंड्स, जो इसमें मुलैठी पाउडर डाला हुआ है वो आपका जो स्किन टोन है 1 से 2 शेड आपके वो लाइट कर देगा फ्रेंड्स।
और आपको फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है, 1 से 2 मिनट ही आपको इसको मसाज करनी है, ज़्यादा देर तक इसको मसाज नहीं करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो कुछ चीज़ें हैं उससे आपके फेस पर इरिटेशन भी हो सकती है बहुत देर तक। जैसे आप बिल्कुल फेस वॉश यूज़ करते हैं बिल्कुल उसी मैनर में आपको इसको यूज़ करना है। फ्रेंड्स फेस वॉश हम यूज़ करना चाहिए हमको एक टाइम, बट हमें हर बार जब भी हम अपना फेस वॉश करें हमें फेस वॉश का जो मार्केट वाले होते हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। कम से कम आप दिन में एक बार तो अपने इस ऑर्गेनिक हर्बल फेस वॉश को यूज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।